हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे ओलंपिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट यहां पे क्या निकल के आ चुका है। यहां पे कंपनी ने क्या स्टॉक स्प्लिट का अभी किसी चीज का अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ, बट यहां पे कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया हुआ है। कितने का? 11 रुपीज पर शेयर के पीछे। सो यहाँ पे क्या पर शेयर के पीछे आपको 11 रुपए का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रही है। बाकी यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की अपडेट दी हुई है। मैं सभी जो ईयर एंड 2024 का था मार्च का, उसके लिए कंपनी क्वार्टर रिजल्ट निकल के आ चुके हैं। रेवेन्यूज कंपनीज के इफ अगर आप देखते हो, सो कंपनी ने 2024 में ईयर एंड में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है 1560.98 करोड़ का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में दिसंबर में कंपनी ने किया था 1613.57 करोड़ का। इट मीन्स है कंपनी के जो नंबर्स ऑफ रेवेन्यू है, हमको यहाँ पे क्या है डेक्लाइन मिस कम होते हमको देखने को मिले हैं यहाँ पे। वही अगर हम यहाँ पे जो 2024 का ईयर एंड जो क्वार्टर था एंड 2023 का जो ईयर एंड क्वार्टर था वो भी अगर कंपेयर यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या है लगभग क्या है ईयर एंड के हिसाब से देखोगे तो कंपनी के पर रेवेन्यू हमको क्या बढ़ते देखने को मिले हुए हैं, बट प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी का जो नंबर ऑफ रेवेन्यू वो हमको कम देखने को मिला है। मीन्स देखोगे तो कम ही आया है। वही अगर हम 24 एंड 23 के ईयर को कंपेयर करते हैं, ये दो साल में कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया हुआ है। 24 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है कितने का, 6228.63 करोड़ का। एंड यहाँ पे 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है 5652.62 करोड़ का, जो कि दोनों ईयर से कंपेयर करेंगे तो 24 में कंपनी ने रेवेन्यू क्या है ज़्यादा जनरेट किया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे टोटल एक्सपेंस की। सो यहाँ पे जो ईयर एंड था 2024 का मार्च का जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के आया, इसमें कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है 1337.34 करोड़ का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने किया था 1448.83 करोड़ का। अब दोनों ईयर के एंड को अगर कंपेयर यहाँ पे करते हो, 2023 का ईयर एंड एंड 2024 का ईयर एंड का क्वार्टर, सो यहाँ पे भी कंपेयर करोगे सो प्रीवियस टू प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया था 1282.72 करोड़ का। मीन्स यहाँ पे क्या अगर ईयर एंड कंपेयर करते हो क्वार्टर्स के, सो यहाँ पे क्या नंबर्स ऑफ जो टोटल एक्सपेंस वो बढ़े हैं। इवन अगर ईयरली वाइज यहाँ पे देखते हो तो ईयरली वाइज भी कंपनीज के एक्सपेंसेस बढ़े हैं प्रीवियस ईयर से। कितने का? 5624.30 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस कंपनी का एक्चुअली बढ़ा है, मीन्स प्रीवियस ईयर से भी। सो यहाँ पे अगर आप कंपनी के नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी का मेन देखोगे, सो यहाँ पे 178.21 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया ये क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में 180 करोड़ का किया था। मीन्स लगभग क्या थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या कम आए हुए हैं। वही अगर आप 2023 का जो ईयर एंड मार्च का जो रिजल्ट था, उसमें 152.50 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। इसमें इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या ईयरली वाइज देखोगे कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करी, मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा स्टॉक है फॉर दी होल्डिंग करने के लिए। 615.82 करोड़ का प्रॉफिट किया था 24 में, एंड 23 में कंपनी ने किया 341.99 करोड़ का। इट मीन्स क्या ईयरली वाइज प्रॉफिट कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट यहाँ पे क्या किया हुआ है। अब हमें बात कर लेते कंपनी की ईपीएस के अर्निंग पर शेयर की। सो यहाँ पे कंपनी का ईपीएस कितना प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 9.87 रुपीज का, एंड यहाँ पे कितना 9.80 रुपीज का। इट मीन्स के थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या ईपीएस कम होते देखने को मिला है क्वार्टरली वाइज देखोगे तो, ईयरली वाइज यहाँ पे हमको बढ़ता देखने को मिल रहा है, जो कि 24 में कंपनी ईपीएस दे रही है 31,033 रुपीज का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने कितना दिया था 70.40 रुपीज का। इट मीन्स क्या कंपनी यहाँ पे क्या ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या कर रही है। फिलहाल कंपनी के यही अपडेट आए हुए हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के। सो मेरे हिसाब से अभी जो स्टॉक है काफी ज्यादा नेगेटिव में चल रहा है, सो अराउंड ये चांसेस है कि ये जो स्टॉक है अराउंड क्या है 80 रुपये तक और गिर सकता है यहाँ पे, इसके चांसेस हैं फिलहाल यहाँ पे। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है ओलंपिक कंपनी में। फिलहाल ये जो स्टॉक है हो सके तो अभी आप अवॉइड ही कीजिएगा एंट्री करने के लिए, बिकॉज क्वार्टर्स ऑफ जो रिजल्ट भी कंपनी के निकल के आए हुए हैं वो थोड़े बहुत क्या हमको कम देखने को मिल रहे हैं। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।